नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिंदे। दोस्तों आज विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि भूल कर भी जो जंगली मशरूम होते हैं या फिर जो प्राकृतिक रूप से मशरूम उगते हैं उनको आपको ना ही खाना है और ना ही उन्हें हाथ लगाना है, क्योंकि ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई है, बहुत लोगों ने उन्हें छूकर या खाकर अपनी जान गंवा दी है। ऐसा न्यूज़ में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, और ऐसा माइकोलॉजिस्ट मतलब जो मशरूम के रिसर्चर होते हैं, जो मशरूम के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने भी बताया है कि जब तक आपको 101% पता नहीं है कि ये मशरूम जहरीला नहीं है, तब तक आपको ना किसी मशरूम को हाथ लगाना है और आपको ना ही उन्हें खाना है। हाल ही में बारिश शुरू हुई है और प्राकृतिक रूप से मशरूम उग आया है, तो काफी लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मशरूम के फोटो भेजे, मशरूम के साथ सेल्फी लेके भेजी, और वो हमें पूछ रहे हैं कि सर ये कौन से टाइप का मशरूम है। माइकोलॉजिस्ट के रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि पृथ्वी पर 10,000 से भी मशरूम्स के ज्यादा टाइप है, तो शायद आपको कोई माइकोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि जो फोटो आप हमें भेज रहे हैं वो कौन से टाइप का मशरूम है। हम तो मशरूम का कल्टिवेशन करते हैं, हम मशरूम ग्रो करते हैं, हम मशरूम सेल करते हैं, हमने काफी लोगों को मशरूम की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, तो हम आपको उन्हीं मशरूम के बारे में बता पाएंगे जो मशरूम अंडर कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है, जिनका साइंटिफिक तरीके से स्पॉन बनाया जाता है, और जो अंडर कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है उन्हीं मशरूम के बारे में हम आपको जानकारी दे पाएंगे। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि ऐसा कोई हादसा होने से अच्छा है मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब तक आपको 101% पता नहीं है कि यह मशरूम जहरीला नहीं है, तब तक आपको उस मशरूम को ना ही हाथ लगाना है और ना ही उसको आपको खाना है। हो सकता है आपको मशरूम में बहुत दिलचस्पी है, हो सकता है आपको मशरूम के बारे में बहुत जानकारी है, आपने कहीं जगह से पढ़ा है, कहीं जगह से सुना है, या हो सकता है आप मशरूम का कल्टीवेशन भी करते हो, लेकिन जब तक आपको 101% पता नहीं है आपको मशरूम को ना खाना है और ना ही हाथ लगाना है। हम जैसे जो ग्रोवर होते हैं या फिर किसी भी विश्वास पात्र जगह से आपको अगर मशरूम मिलता है, वहां से अगर आप खरीद के मशरूम खा रहे हैं तो फिर ठीक है, या फिर आपके घर के आसपास कोई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बरसों से जंगल में जाके मशरूम ला के खुद खा रहे हैं, अगर आपको उन पे विश्वास है, अगर आपको उन पे विश्वास है और अगर आपको पता है कि वो जंगल में जाके बरसों से मशरूम्स जंगल से ला के खुद खा रहे हैं, तो उनके गाइडेंस में या फिर उनके सूचना से आप जंगल से मशरूम ला के खा सकते हो, अगर आपको उन पे विश्वास है। तो दो ही जगह से, जैसे अगर हमारे जैसे ग्रोवर जो ग्रो करके सेल करते हैं, ऐसे कहीं विश्वास पात्र जगह से या फिर जो बड़े बुजुर्ग है जो बरसों से मशरूम जंगल से ला के खा रहे हैं, उनके सूचना से आप मशरूम्स खा सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आप जंगल में जा रहे हो और वो मशरूम लाके खा रहे हो, तो ये आपके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है, आप आपकी जान से हाथ धोकर बैठ सकते हो। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे बहुत फोटोज आ रहे थे, लोग सेल्फी लेके डाल रहे थे, जब तक आपको पता नहीं ना मशरूम को आप हाथ भी लगाओ, हो सकता है मशरूम जहरीला हो, आपने फोटो लिया और मशरूम फेंक दिया, दिन आपने आपके आंखों को नाकों को मुंह में हाथ लगा दिया और आपको उससे हानि हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपको पता नहीं 101%, तब तक आपको किसी भी मशरूम को, मैं एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि इससे आपको हानि हो सकती है, आपको किसी भी मशरूम को ना हाथ लगाना है और ना ही उसको खाना है। यह वीडियो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसी दुर्घटना से बच सके और खुद को सेफ रख सके और ऐसे जगह से ही मशरूम खाए जो विश्वास पात्र जगह हो। धन्यवाद।